जीवन की समस्याएं। यदि आप हैं किसी चीज से बहुत परेशान, वैवाहिक जीवन में समस्या, आपकी घर या जमीन, कोर्ट या कचहरी, शारीरिक कष्ट, व्यापार में घाटा, बहुत ठोकर खाने के बाद आपको सही सलाह की जरूरत है, धन संबंधी मामले, कोई न कोई रत्न उसका भाग्य विजेता जरूर है। चौरासी रत्नों में आपका कौन सा भाग्य का रत्न है बताऊंगा मैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राशि रत्न के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा जीवन में समस्या बना हुआ है। दर्शकों, इस समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उसे कैसे निदान पाया जाए, आज हम चलते हैं एक बहुत बड़ी समस्या के साथ, जो कि लड़की मांगलिक होती हैं तो उनकी शादियों को लेकर के इतनी परेशानियां खड़ी होती हैं कि तरह तरह की उलझने उनको होती हैं कि कोई भी एक रास्ता उनको नज़र नहीं आता है। उनके माँ बाप को एक समस्या बना हुआ है। मांगलिक लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास उपाय है। दर्शकों, इस उपाय को जानने के लिए, समझने के लिए आपके पास यदि कागज और पेन है तो उस चीज़ का आप लिख सकते हो, हमारे स्क्रीन पर देख करके उसे अनुभव कर सकते हो कि किस तरह से इसको काम किया जाना है। एक खैर की लकड़ी होती है, ये सबको पता है, लेकिन खैर की लकड़ी कहाँ कहाँ यूज होती है ये बहुत कम लोगों को पता है। खैर की लकड़ी ले लें और चूना और फिटकरी ले लें, इन दोनों चीज़ों को मिला करके एक टुकड़ा लकड़ी और एक छोटा टुकड़ा खैर और फिटकरी, इन तीनों चीज़ों को मंगलवार के दिन यदि लाल कपड़े में करके किसी मांगलिक लड़की को दाहिने हाथ में बांधने से बहुत ही जल्द उसको रिश्ता मिल जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत छोटा सा उपाय है, इसे आप देख लीजिए, जान लीजिए और आजमा करके इसे देख लीजिए, बहुत ही कारगर उपाय है। हम चलते हैं वृषभ राशि के लिए, जहाँ पर लोग अपने अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं। उनको किसी तरीके से मंजिल पाने के लिए बहुत समय लग रहा है, तो एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, अपने सिरहाने चूना और फिटकरी और शहद, ये किसी भी दिन मिला करके सफ़ेद कपड़े में सिराने रखने से हम समझते हैं कि उनके बहुत ही जल्द निवारण होंगे। आज चलते हैं हम राशि बुध के लिए। बुध में क्या विशेषता है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट खा जाता है, उस नरम दिल होने से चोट खा जाता है। दोस्तों, एक इनके लिए उपाय है जो बहुत ही कारगर उपाय है, कूसा का जड़ और सफ़ेद चंदन बाज़ार से उनको ले लेना है। कूसे की जड़, सफ़ेद चंदन और ये दोनों चीज़ों को जो है हरे कपड़े में बांध करके सिरहाने रखें, बहुत ही जल्द उनको एक अच्छा तरक्की मिलने की संभावना है। आज हम चलते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जिनका स्वामी बृहस्पति है, जिनको आज तरह तरह की समस्याएं हैं और उनको मंजिल नहीं मिल पा रही है। सबसे बेस्ट उपाय है उनके लिए, बृहस्पति के लिए, एक पीपल की जड़, केले की जड़ और खैर की जड़, इन तीनों जड़ों को पीले कपड़े में बांध लें बृहस्पतिवार को सवेरे। ये यदि अपने पास रखते हैं
करीब इसका रखने का समय है 1.5 महीना। बहुत सारे उपाय करके देखे होंगे, लेकिन इन उपाय को करके देखिए आप, बहुत ही जल्दी आपको एक मंजिल मिलने की संभावना है। आज हम चलते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि और मकर राशि के लिए ये दोनों राशियों को काम आने वाली चीज़ें, नीले कपड़े को ले लीजिए, नीले कपड़े को ले लीजिए। नीला यदि आप पत्थर नहीं खरीद पा रहे हैं तो नीला कलर नील ले लीजिए और शहद मिला लीजिए। इनको यदि अपने पास रखने से आपको बहुत ही जल्द नौकरी, कारोबार या बिजनेस में बहुत जल्द ही आसानी मिलेगी। तीसरी बात, लक्ष्मी के लिए हम आज आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो आप लक्ष्मी के लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए परेशान हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से आपको लक्ष्मी मिलना मुश्किल है। यदि आप इन उपाय को देख रहे हैं स्क्रीन पर और इन उपाय को जान रहे हैं तो आप आजमा करके देख लीजिए। सबसे पहले आता है गूलर की जड़, दूसरा आता है केले की जड़, तीसरा आता है तुलसी की जड़, चौथा आप ले लीजिए पीला रंग, चौथा, पांचवा आप मिला लीजिए इसमें अनार की जड़। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर करके अपनी तिजोरी में किसी भी बृहस्पतिवार के दिन रख लीजिए, या किसी गणेश चतुर्थी के दिन रख लीजिए, या किसी बड़े तिथि के दिन रख लीजिए। इन चीज़ों को रखने से आपको एक बेहद फायदा होगा। हमारे दर्शक जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, जो भी बातें हैं, इन बातों को आजमाने की ज़रूरत है और इसे करने की ज़रूरत है। आप बहुत भटक गए हो तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। यदि बहुत सपने से परेशान हैं तो कांसे की कटोरी ले लीजिए, गंगा जल, गुलाब जल और केवड़ा जल ये मिला करके पानी भर करके अपने सिरहाने रखिए, सपना आना बंद उस दिन से। चौथा हम आपको एक उपाय और दे रहे हैं कि जो शनि से पीड़ित हैं, लोहे की कटोरी, लोहे का कटोरी, गंगा जल साथ में गुलाब जल और किसी भी खुशबूदार अतर का प्रयोग करें, किसी भी खुशबूदार अतर का प्रयोग करें और इसमें थोड़ा सा चंदन, पीला चंदन मिलाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पीला चंदन मिलाने के बाद आप इसे सिरहाने रख दीजिए, रात भर सोएं, सवेरे इसका पानी किसी पेड़ के जड़ में डालें। तुलसी नीम या पीपल में ना डालें, किसी दूसरे फूल के पेड़ में आप इसे डालिए। चौथा हम आज आपको एक और उपहार दे रहे हैं, जिनके चंद्रमा बहुत ख़राब हैं, तरह तरह के उनको लालचन लग रहे हैं, अच्छे काम करने के बावजूद भी उनको तरक्की नहीं मिल पा रही है, और ऑफिस में हैं या घर में हैं, तनावपूर्ण हैं, तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ उपाय के हम आपको बता रहे हैं कि अपने मंदिर में चंद्रमा बना करके रखें, या कांसे की कटोरी उसमें एक मोती डाल करके, गंगा जल और गुलाब जल डाल करके इन तीनों जल को रखें, दूसरे दिन किसी पेड़ के जड़ में डालें, रात भर अपने सिरहाने रखें, दूसरे दिन किसी पेड़ के जड़ में डालें, इसे आपको बहुत ही जल्दी जो लालचन लग रहे हैं आप इससे बच जाएंगे। एक और उपाय हम आज आपको दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उपाय है। नौकरी के लिए यदि आप बहुत परेशान हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप गेहूं और गुड़ का दान मंगलवार को करें, और पीला रहर की दाल का दान आप बृहस्पतिवार को करें। ये दो उपायों से हम समझते हैं 5 गुरुवार और 5 मंगलवार करने के बाद कहीं ना कहीं आपको व्यवसायी जीवन में नौकरी का व्यवधान आपके लिए बन जाता है। राशि रत्नों में हम आज आपको एक और उपहार दे रहे हैं कि जिनके बहुत समस्या जीवन में हैं, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में मोती और बृहस्पति साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन पहनने से बहुत ही बड़ा उनको उपहार की भेंट होगी। जीवन से हार जाने के बाद ये दोनों रत्नों का मिश्रण करें, राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर
राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर ध्यान रखें, इन फिंगर पे आपको इस चीज़ का प्रयोग करके देखें, बहुत ही अच्छा उपाय है, जीवन में खुशहाली लाएगी और आप खुश हो जाएंगे। हमारे उपाय के जरिए आपको एक उपाय और दे दे रहे हैं, जूझते हुए तंदुरुस्ती से आपको क्या उपाय है। दुष्ट जो है, देखिए आपके कर्म के अनुसार ऐसे कोई न कोई देवता हैं कि जो आपको दंडित कर रहे हैं। समय समय के अनुसार राहु केतु मंगल भी आपको दंडित करते हैं। यदि आपके सेहत में किसी हार्ट और गर्दन के बीच का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही एक अच्छा उपाय है, गेहूं और गुड़, सवा पाव गुड़, और इसमें सवा रत्ती का मूंगा भी हो, मंगल रत्न, इन चीज़ों को पोटली बनाएं, एक छोटा सा मंगल रत्न भी हो, 7 बार अपने सर पर से घुमाकर किसी मंगलवार के दिन बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि धीरे धीरे करके आपकी तंदुरुस्ती पसाना ठीक हो जाएगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन मंगल खराब होने से इन चीज़ों पे चपेट देते हैं, हार्ट पे जोर देते हैं मंगल खराब होने से। यदि आपको इन पीड़ाओं से आप जूझ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन, हार्ट या लीवर या किडनी, शुगर, इन सब चीज़ों का निदान एक मंगल ही बेस्ट उपाय है आपके लिए। जीवन में यदि आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो मैं राशि रत्न के जरिए आपको ये प्रयोग जो मैंने बताया है, ये घरेलू देसी नुस्खे हैं और आपको बहुत फायदेमंद देंगे। आज आपको हम एक और चीज़ बता रहे हैं कि हर इंसान को जीवन में एक घर बनाने की आवश्यकता है। जिन लोगों के पास घर नहीं है और यदि उनका घर नहीं बन पा रहा है, उनके मकान अधूरे में हैं, तो उन्हें करना क्या है? जिस जगह पे बन रहे हैं उस ज़मीन की पाँच मुट्ठी आप मिट्टी ले लीजिए, इसे बृहस्पतिवार के दिन ले लीजिए, और 5 मुट्ठी इसमें जो है चूना ले लीजिए, इन 10 मुट्ठी का हिसाब किताब बन गया। थोड़ा सा उसमें 1 मुट्ठी मिलाने का पीला रंग है, इन चीज़ों को ले करके अपनी जगह पे 7 बार घूम जाइए और किसी बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। मकान बनने में जो देरी हो रही है वो मकान आपका बहुत जल्द बनेगा। इन चीज़ों को आप आजमाएं और इसे ज़रूर करें। दोस्तों, हम एक बार आज आपको राशि रत्न की दुनिया में ले चलते हैं। भाग्य और दुर्भाग्य के बीच में समय के अनुसार आज बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा घरों में हो रहे हैं, पति पत्नी में हो रहे हैं। तो आज हम ले चलते हैं किसी भी राशि के जो स्वामी हैं उनकी पत्नी, और किसी भी राशि स्वामी के जो उनके पति, खास करके इन उपायों को आजमा करके देखें। यदि दोनों में झगड़ा हो रहे हैं तो दोनों अपने सिरहाने रखना क्या है? दोनों अपने सिरहाने मंगलवार के दिन भोजपत्र, लाल कपड़ा, भोजपत्र और लाल कपड़ा और लाल चंदन, इन तीनों को एक पीले कपड़े में बांध लीजिए और तकिया के नीचे रख दीजिए। पति के लिए है, पत्नी के लिए चलते हैं भोजपत्र और हरा कपड़ा और लाल कपड़ा और पीला कपड़ा और लाल चंदन और ज़रा सा हींग, ये बांध करके सिरहाने रखने से दोनों के अनबनाव खत्म हो जाते हैं। जो दोनों के बीच में बनी हुई एक दीवार है वो खत्म होता है। दोस्तों, राशि रत्न के बारे में आज हम आपको बताएंगे, एक नया जीवन में किस तरह से आपको राशि रत्न का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने बृहस्पति पहरा है, बृहस्पति के साथ कुंभ राशि के हैं, तो बृहस्पति के साथ नीलम है तो कम्युनिकेशन है, यदि नीलम और पन्ना है तो इसके साथ कम्युनिकेशन है। इनके साथ बहुत एक छोटी सी उपाय की ज़रूरत है, या आप अपने हाथ में पहरे हो या अपने गले के अंदर पहरे हो, एक छोटा सा हीरा, यदि ये दोनों रत्न काम नहीं कर रहे हैं तो एक छोटा सा हीरा
जो है बनाकर अपने गले में पहने, तो इनका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक ही बन जाएगा और बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मैंने देखता हूँ कि 4-5 अंगूठियाँ पहने हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आखिर में वो परेशान फिर भी हैं। तो उन्हें करना क्या है, अपने सारे रत्नों को रिमूव करना है, हाथ में से निकालना है और एक गंगा जल के अंदर कटोरी में रख देना है और 3 दिन उनको आजमाना है कि अब मुझे किस तरह का अब जॉब हो रहा है, या उन्हें बेचैनी है, या उनका कारोबार में मन नहीं लग रहा है, या पहले से अच्छा है। पहले से यदि अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि इन रत्नों को उनको ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जो रत्नों का उनको ज़रूरत नहीं है तो उसका मतलब वजन उनके ऊपर ज़्यादा लद गया है, इसलिए उनको रत्नों का ज़रूरत नहीं है। रत्नों की ज़रूरत आपको कहाँ तक है ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि आज आपने एक रत्न धारण किया, दूसरा रत्न धारण करने के लिए कम से कम 1 महीना 15 दिन का गैपिंग लीजिए, आप साथ साथ न धारण करें। जब यदि आपका काम उसी से चल जा रहा है तो आपको दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं। तीसरी बात यह है कि यदि आप रत्न कोई पहरे नहीं हैं, ये याद आपको प्रमोशन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो एक फिरोजा रत्न है कि जो आपके गले में पहनने से आपको एक अच्छा तरक्की देता है। आप यदि इस फिरोजा रत्न को 1-1.5 महीना पहरें, यदि आपको किसी प्रकार का दुर्घटना का भय भी होगा तो भी टल जाएगा और आपकी नौकरी में एक अच्छी तरक्की होगी। यदि आपको बहुत ही सपने से परेशान है या आपको बाहरी चीज़ों से परेशान है तो गले में फिरोजा रत्न और आम की 10 पत्तियाँ ले लें, बाल्टी में भिगा दें शाम को और उसे सवेरे आप नहा लीजिए और फिरोजा रत्न पहन लीजिए, 3 दिन करिए। 3 दिन करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी नींद, बहुत ही अच्छा मंजिल, बहुत ही अच्छा हुनर आपके साथ रहेगी, आप बहुत ही अच्छा दौलतमंद बने। आज हम चलते हैं एक जो कि कहते हैं ना कि गरीब आदमी किस तरह से घर बनाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन हो सकता है। यदि गरीब आदमी चाहे तो घर बना सकता है, ये बात तय है, उसको कमाई का जरिया मिलना वो बात भी तय है। मालिक सबके लिए एक कोई न कोई चीज़ बनाया है, उसे करना क्या है। यदि एकदम गरीब है, वो कुछ नहीं, असहाय है, उसके घर में कोई पूजा पठन की ये नहीं, सवेरे उठ करके किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करना है, उसे धरती को प्रणाम करना शुरू करना है, उसे कम से कम ये चीज़ 12 से 16 महीना प्रतिदिन करना है। यदि उसके पास कोई जरिया नहीं है, शहर में उसके ज़िला में कहीं ना कहीं उसका मकान का जरिया बनना अवश्य है और ये उपाय आजमा करके देखिए और फिर हमको आप बताइए कि आखिर में आपने ये आजमाया तो क्या हुआ, इसका परिणाम आपको मिला कि नहीं। आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, राशि रत्न के जरिए हमसे संपर्क करें, हमसे मिलें, बहुत ही चीज़ों का निदान बताऊंगा। भरनी है तिजोरी तो इंतज़ार किसका, भरनी है तिजोरी तो इंतज़ार किसका, आराधना करिए देव गुरु बृहस्पति का और महालक्ष्मी का, उनसे ज़्यादा कहाँ कौन प्यार देने वाला है। हर समय वो आपको प्यार दे रहे हैं, हर समय आपको दुलार दे रहे हैं कि आपके खीसे में हैं, आपके साथ हैं, तो आप उनको मत भुलाइए, उनसे ज़रूर मोहब्बत रखिए। नमस्कार दर्शकों, फिर हम अगली मुलाकात में फिर एक नई चीज़ आपको बताएंगे।